वीडियो के अंदर हम क्लास 12th इंग्लिश का 22/9/2021 को जो आपकी वर्कशीट आई है उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये इंग्लिश कंपोजिशन से लिया गया है और बिजनेस लेटर पार्ट टू है ये। फर्स्ट पार्ट भी मैंने करा दिया है जो आपका 21 तारीख का वर्क था। अब आप देखिए, पहला प्रश्न है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, कि फिल इन द ब्लैंक्स भरने हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ। सेंडर्स एड्रेस इज़ यूजली रिटन ऑन द साइड ऑफ द पैसेज, कि जो सेंडर का एड्रेस है ये बिजनेस लेटर के संदर्भ में बात करी जा रही है कि बिजनेस लेटर में सेंडर का जो एड्रेस है वो किस साइड लिखा जाता है। तो आप सबको पता है वो किस साइड लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में वो लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न है सैल्यूटेशंस लाइक डियर सर डियर सिस, ये गलत है, डियर सर डियर मैडम शुड बी यूज इन अ लेटर। तो ये कौन से लेटर में डियर सर इनका उपयोग किया जाता है, तो सैल्यूटेशन का, तो बिजनेस लेटर में, ठीक है ना। शुड बी यूज एज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन द बिजनेस लेटर, तो जो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है वो यूअर फेथफुली लिखते हैं या यूअर सिंसियरली लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है या उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है इधर, कि उनको ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देने थे, क्योंकि यूअर फेथफुली क्या लिखते हैं अपन, अगर खाली सर और मैडम लिखते हैं अपन बिजनेस लेटर में, खाली सर और मैडम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं यूअर फेथफुली लगा देते हैं, और अगर इसके आगे डियर लगाते हैं डियर सर डियर मैडम तो हम यूअर सिंसियरली का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों ही करेक्ट होते हैं, पर इसके संदर्भ में हमें बताना है तो डियर सर के हिसाब से हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि पहला प्रश्न ही डियर सर के हिसाब से था। तो यूअर सिंसियरली इसमें राइट होगा। द सेकेंड एड्रेस इज़ द, अब एड्रेस में बताना है तो सेकेंड जो एड्रेस लिखते हैं हम बिजनेस लेटर में वो किसका होता है, तो वो होता है रिसिपेंट का, मतलब जो रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस होता है। एक तो पहले जो सेंडर का एड्रेस होता है अपना एड्रेस, और फिर जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये चार क्वेश्चन हो गए। अब आपका है ये लेटर वाले क्वेश्चन, तो आप देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दो लेटर आपको लिखने हैं, यू आर अश्मी और असीम, अगर आप लड़की हैं तो अश्मी और अगर आप लड़के हैं तो असीम। यू मैनेज द सप्लाई ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, कि आप जो मैनेज करते हैं स्कूल जो सप्लाई होती है बुक्स की स्कूल लाइब्रेरी, मतलब आप लाइब्रेरियन हैं। राइट अ लेटर फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द बुक्स टू राज पब्लिकेशन हाउस लिमिटेड, जो राज पब्लिकेशन हाउस है आपको उससे बुक्स ऑर्डर करनी है, ठीक है ना। तो अब ये पहला है, इसका आप उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमने बनाया है। तो लाइब्रेरियन, सबसे पहले आपको लाइब्रेरियन लिखना पड़ेगा, फिर जैसे स्कूल उसमें बता नहीं रखा था तो भी आप गवर्नमेंट लिख सकते हो या फिर आप कोई भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पर अजमेर हमने ऐसे ही दे दिया है, जबकि इसमें कुछ दे नहीं रखा है, तो आप अपने ज़िले का नाम भी लिख सकते हैं, और डेट हमने लिख दी है 22 सितंबर 2021। ये तो हो गया सेंडर, जो हमने बात करी थी अपना एड्रेस, सेंडर का एड्रेस हो गया, और दूसरा होगा रिसीपिएंट का एड्रेस जो रिसीव करने वाला है, तो द मैनेजर हमने लिख दिया है, राज पब्लिकेशन हाउस लिमिटेड को लिख रहे हैं, और ये भी अजमेर हमने लिख दिया क्योंकि इसका भी हमें बता नहीं रखा था। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं टू सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, कि स्कूल लाइब्रेरी के सप्लाई करनी है बुक, उसके लिए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लेटर्स हम लिखते हैं, आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आओगे तो आपको बहुत सारे ईमेल के थ्रू भी लेटर्स लिखने पड़ेंगे, तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट में और बिल्कुल क्रिस्पी होना चाहिए और बहुत ही सटीक होना चाहिए, क्योंकि क्या बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं कंपनी के पास टाइम नहीं है तो सीधा सब्जेक्ट पढ़ती है, अगर सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो आगे देखती है कि पढ़े कि नहीं पढ़े, तो इसलिए सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए आप डियर सर या फिर मैडम, इसमें भी बता नहीं रखा है सर मैडम, तो इसलिए हमने डियर सर और मैडम दोनों लगा दिया, आप इनमें से एक भी चुन सकते हैं। एज़ अ लाइब्रेरियन, कि मैं एक एज अ लाइब्रेरियन हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई इनक्लोज्ड बुक फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के लिए, मतलब जो हमने इनक्लोज्ड करी है बुक्स, हमने जो बुक की लिस्ट दी है आप उसको सप्लाई कर दीजिए, पहुँचा दीजिए। होप यू सेंड इट सून एज पॉसिबल, आप, मुझे आशा है, होप का मतलब क्या, आशा है कि आप वो किताब भेज देंगे। यू सेंड इट एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द जिससे संभव होगा आपको उस हिसाब से आप भेज देंगे। स्कूल विल मेक द नेसेसरी पेमेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बुक्स, जो भी मतलब नेसेसरी पेमेंट होगा वो स्कूल आपको पे कर देगी, ठीक है ना। अब आपको देखिए, हमने इनक्लोज लिखा था तो बुक लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी, तो आप ऐसे बुक लिस्ट बना सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं।
तो हमने बुक लिस्ट बना दी, इसमें भी हमें कुछ दिया नहीं था, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, इंग्लिश ग्रामर 10 बुक मंगाई है, मैथमेटिक्स 5 बुक्स। ठीक है, जब आप दो आंकड़े इस टाइप से लिखते थे 10, तो आपको शुरू में जीरो लगा देना चाहिए अगर आपको खाली 5 मंगानी है तो, और नहीं दे रखा है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर आपको लिखेंगे थैंक यू, यहाँ पे थैंकिंग यू भी लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, पर अगर हम देखें तो न्यू पैटर्न के हिसाब से गलत होता है, पर फिर भी टीचर नंबर दे देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप थैंकिंग यू भी लिख देते हो तो भी दिक्कत नहीं, और थैंक यू लिखते हो तो भी दिक्कत नहीं है। फिर हमने अगर उधर डियर सर लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, योर सिंसियरली, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारे को नाम दिया था अशीमा और असीम, तो अगर आप लड़की हैं तो अशीमा लिख दें और लड़के हैं तो असीम लिख दें। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेटर। अब सेकेंड लेटर पर चलते हैं। देखिए, यू आर अपूर्वा या अर्पित, अगर लड़की हैं तो अपूर्वा और लड़का है तो अर्पित। रेसिडिंग एट आदर्श कॉलोनी जयपुर, आप आदर्श कॉलोनी जयपुर में रहते हैं। यू परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम अ डीलर नेम्ड मिस्टर जैन कंप्यूटर्स, आपने एक कंप्यूटर परचेज किया है, ख़रीदा है, किससे ख़रीदा है, वो डीलर जो सेल्स वाला है मैन, उसका नाम क्या है, मिस्टर जैन कंप्यूटर्स जो नेहरू प्लेस जयपुर में है, वहाँ से आपने ख़रीदा है। राइट ए लेटर टू डीलर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर रिप्लेस कराना है। अब सिंपल सी बात है, कंप्यूटर रिप्लेस कराना इसका मतलब है कि कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको बतानी पड़ेगी। तो आप देखिए, इसका भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी हमने बनाया है और ये हमने बिजनेस लेटर के हिसाब से बनाया है, बाकी इसको कुछ और तरीके से भी लिखा जाता है, तो हम खाली बिजनेस लेटर के हिसाब से ही इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, तो कस्टमर, हम कौन है कस्टमर, है आदर्श कॉलोनी जयपुर, उसमें दिया हुआ है 22 सितंबर 2021, जो हमने डेट डाल दी है। अब हम रिसीवर का एड्रेस लिख रहे हैं, द सेल्स मैनेजर मिस्टर जैन कंप्यूटर्स नेहरू प्लेस जयपुर, ठीक है ना। अब हमारे को सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट हम दे सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्थानांतरण कराना है, रिप्लेस कराना है, दूसरा लेना है, ठीक है, चेंज कराना है। अब हमने यहाँ पे केवल सर लिखा है, अगर डियर सर लिखते तो यूर सिंसियरली आ जाएगा, खाली सर लिखेंगे या मैडम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूर फेथफुली। तो आप देखिए, आई परचेज्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम योर शॉप ऑन 20 सितंबर 2021, कि मैंने आप कंप्यूटर ख़रीदा है आपकी दुकान से 20 सितंबर 2021 को, उसका इनवॉइस नंबर है 12345। या आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं अगर नंबर नहीं दिया हुआ है तो, अगर दिया हुआ है तो आप वो नंबर भी लिख सकते हैं। तो इनवॉइस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हर कंप्यूटर के साथ आता है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द कंप्यूटर, ठीक है ना, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ आपको ये चीज़ बता के कि आपने जो कंप्यूटर दिया है उसमें डिफेक्ट है। वो क्या है, डिफेक्टिव पीस है या डिफेक्ट है उस कंप्यूटर के अंदर। इट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट बाद वो स्विच ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। आई थॉट द ऑटो स्विच ऑफ ऑप्शन माइट हैव बीन एक्टिवेटेड, तो मैंने सोचा कि ऑटो स्विच ऑफ वाला ऑप्शन जो होता है बटन, वो शायद एक्टिवेट हो गया होगा, ऑन हो गया होगा। बट व्हेन आई चेक्ड नो सच ऑप्शन हैड बीन एक्टिवेटेड, जब मैंने चेक किया तो ऐसा कोई बटन ओपन नहीं था, ठीक है ना। आई हैव बीन फेसिंग लॉट्स ऑफ इनकन्वेंसनेस एंड स्ट्रेस ऑन दिस कंप्यूटर, कि इनकन्वेंसनेस का मतलब क्या होता है, इनकन्वेंसनेस का मतलब होता है असुविधा और तनाव मुझे हो रहा है, इस कंप्यूटर से फेस हो रही है वो सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, असुविधा और तनाव क्रिएट हो रहा है इससे। आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस माई कंप्यूटर, कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये कंप्यूटर रिप्लेस कर दें। काइंडली डू द रिप्लेसमेंट एट द अर्लीस्ट, आप इसको जल्द से जल्द रिप्लेस कर दें, काइंडली। आई शेल बी एक्सीडिंगली ग्रेटफुल, इसका मतलब क्या होता है, एक्सीडिंगली का मतलब होता है यानी अत्यधिक कृतज्ञ रहूँगा मैं आपका, ठीक है ना, आभारी रहूँगा। अब आगे आप देखिए, थैंक यू या फिर थैंकिंग यू आप लिख सकते हो। अब डियर सर नहीं था उधर, खाली सर था, तो यूर फेथफुली हमने लिख दिया है, और यहाँ पे नाम था अपूर्वा या अर्पित, लड़की है तो अपूर्वा, लड़का है तो अर्पित, आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, और ऐसे ही हम वीडियो बना रहे हैं। और कल भूगोल की भी वीडियो आ रही है, और इंग्लिश की भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, कि इंग्लिश में आप 95 अबव कैसे ला सकते हैं, 95 अबव मार्क्स आप कैसे इंग्लिश के अंदर मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, हाउ टू स्कोर 95 मार्क्स इन इंग्लिश क्लास 12, इस नाम से वीडियो आएगी हमारे चैनल पे,
और वो बेस्ट वीडियो आपको लगेगी, आप देखना। उसमें पूरी प्लानिंग में आपको बताऊंगा, द टॉप क्लास की वो वीडियो होगी, आप खुद देख के बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।